नमस्कार दोस्तों, सनी देओल ने गद्दर मूवी को इस शानदार तरीके से बनाया कि लोग जूम जूम कर देखने लगे। परंतु सनी देओल के ऊपर एक संकट आ चुका है। मुंबई बॉक्स ऑफिस की दमदार गद्दर 2 फिल्म की दमदार कमाई को देखते हुए उन्होंने 300 करोड़ तो पार कर चुकी है, लेकिन अभिनेता सनी देओल को बैंक द्वारा एक नोटिस भेजा गया, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के नोटिस के मुताबिक उन्होंने 56 करोड़ का लोन लिया है। उन्होंने 56 करोड़ का लोन काफी टाइम पहले लिया था, लेकिन वो अभी तक बकाया है, अभी भी चुका नहीं पाए हैं। इसी वजह से सनी देओल ने मुंबई के जू वाले बीच के पास अपना घर गिरवी रखकर लोन उठाया था और अब वही बंगलो बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा नीलाम किया जा रहा है। उन्होंने 2016 के अंदर यह बंगलो गिरवी रखा था और गिरवी रखकर 56 करोड़ का लोन लिया था, जिसके कारण वे अभी तक चुका नहीं पाए और इस वजह से उनकी काफी मार्केट के अंदर बेइज्जती हो रही है। कुछ रिपोर्टिंग के मुताबिक सनी देओल के भाई अभय देओल और बॉबी देओल और साथ ही उनके पिता धर्मेंद्र देओल ने भी इस लोन के लिए उन्होंने गारंटी ली थी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक अखबार के अंदर नोटिस जारी किया है और उस नोटिस के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि 25 सितंबर को यह घर नीलाम होने जा रहा है, जिसकी नीलामी की रिकवरी रेट 51 करोड़ रुपए रखी गई है। यह बंगलो मुंबई के पोश इलाके जू गांधी ग्राम रोड पर स्थित है। काफी भव्य बंगलो है, लेकिन सनी देओल की गद्दर मूवी इतनी सुपर डुपर हिट होने के बावजूद वे अपना लोन चुकाने के अंदर असमर्थ है। क्या सनी देओल अपना लोन चुकाकर अपना घर बेचने से रोक पाएंगे? क्योंकि सनी देओल काफी समय से लंबे टाइम से फ्लॉप चलते आ रहे हैं, जिस वजह को लेकर उनके पास पैसे की काफी तंगी आ चुकी है। गदर 2 मूवी आने के बाद ही इनके कई सालों बाद इनके सितारे चमकते हुए दिखाई दिए, लेकिन सनी देओल की कई फिल्में ऐसी है जो लगातार ही फ्लॉप चलती आ रही है। उन्होंने अपने बड़े बेटे करण देओल को भी 2019 के अंदर पल पल दिल के पार मूवी के अंदर भी उन्होंने लॉन्च किया था और वह खुद इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं, पर यह भी मूवी काफी फ्लॉप रही। अब सनी देओल और उनके बड़े बेटा करण देओल दोनों मिलकर छोटे भाई राज देओल को भी डेब्यू करवा रहे हैं, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर लगातार नेपोटिज्म देखने को मिलता है। इसी नेपोटिज्म की वजह से लोग अपने बेटों को ज्यादा लॉन्च करते हैं। ऐसे तो नेपोटिज्म सारी ही चीजों के अंदर है, लेकिन बॉलीवुड के अंदर नेपोटिज्म कुछ ज्यादा देखने को मिलता है, जिस वजह से बड़े एक्टर्स अपने बच्चों को आसानी से हिट मूवी दरा पाते हैं। उनकी सारी उम्र ऐसे ही निकल जाती है, पता नहीं उनको कहां कहां पर अपनी जूतियां घसनी पड़ती है और कितनी उम्र निकल जाती है, तब भी वे जाकर सक्सेस हो या ना हो इसका भी कोई पता नहीं चल पाता। अब देखना यह बात है कि सनी देओल अपना लोन चुका पाते हैं या नहीं, ज्यादा हिट मूवी देने के बाद भी वे लोन चुकाने में असमर्थ है या नहीं। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपके लिए वैल्यूएबल हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये खबर सुनने का मौका मिले।